वालेकुम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे और आज हम कोशिश करते हैं कि ये जो चैप्टर आज इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि आज बुध है तो फिर इसका जो टेस्ट है वो संडे को हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है ना स्टार्ट कर लेंगे। पहले मेरा ये दिल था कि आपका ना मॉक टेस्ट दे दूँ, ये जो 10-11 चैप्टर जो हमारे हो चुके हैं, फिर मैंने कहा कि एक दफ़ा ना आप बुक ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ना क्योंकि फिर हमारा एरेनल फिजिक्स जब हम ख़त्म कर लेंगे तो फिर हमारा FSC पोर्शन और BSC पोर्शन ये दोनों क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आप FSC और काफी कुछ हद तक ना MSC पोर्शन जो है ना वो भी इसके अंदर आ जाता है, तो यानी कि आपका कह सकते हैं कि जो अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 60-70% आपका जो है ना पेपर वो यार मैं आपको करवा चुका हूँ उसकी तैयारी। आप कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास लेते हैं, मेरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, प्रॉपर तैयारी के साथ वो क्विज अटेम्प्ट करती हैं, असाइनमेंट अटेम्प्ट करती हैं, वो मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर रिवीजन करती हैं वगैरह वगैरह, तो उनकी तो 60-70% जो तैयारी है वो हो चुकी होगी। फिर उन्हें बस यही करना है, इसको कैरी करना है टेस्ट तक। तो अब जो स्टूडेंट्स कभी क्लास में आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी कुछ दे दिया, कभी ना दिया, या प्रॉपर प्रेपरेशन करके नहीं देते, ऐसे ही बैठी होती हैं और क्विज अटेम्प्ट करने बैठ जाती हैं, कोई उन्होंने रिवीजन नहीं की होती, कोई नोट्स नहीं बनाए होते, उनके पास जिंदगी के सारे वो जो है ना काम करने के लिए हैं लेकिन जो तैयारी करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो जॉब करना चाहते हैं, वो जॉब करना चाहते। तो सारा दिन ट्यूशन पढ़ाती हैं, स्कूल पढ़ाती हैं, अकेडमी पढ़ाते हैं, कॉलेजेस पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जब उन्हें बोला जाए कि जी 2 अरब पढ़ लो तो वो आपको रामलीला सुनाने बैठ जाएंगे कि जी मैं सुबह से लेकर सुबह 7 बजे जाता हूँ या जाती हूँ और वापस 2-3 बजे आता हूँ या आती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और फिर जी बच्चे ट्यूशन के लिए आ जाते हैं या मैं अकेडमी चला जाता हूँ, तो फिर इस तरह ये करके फिर मैं वापस आता हूँ तो रात 10-11 बजे मैं वापस आता हूँ, बड़ा थका हुआ होता हूँ, फिर मैं फौरन जो है ना इतनी होश ही नहीं होती कि मैं कुछ कर सकूँ और फौरन मुझे जैसे मैं वो बेड पे लेटता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो देखिए जब ये एक्टिविटीज करेंगे तो उसका मतलब है आपकी जो प्रेफरेंसेज हैं वो सिर्फ यही है कि आप जो है ना जो अगर आप अकेडमी पढ़ा रहे हैं या कॉलेज पढ़ा रहे हैं तो आप यही चाहते हैं कि यही चीज़ आपको मिले, गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप आने नहीं चाहते। अब जहर आप पाकिस्तान में रहती हैं ना, तो आप किसी और डिफरेंट कंट्री में रहती हैं जहाँ पर आपका जो फ्यूचर है वो ड्यूरिंग द स्टडी ही अश्योर हो जाए। अब ये पाकिस्तान है, यहाँ पर डिग्रियां लेने के बाद भी जो लोग हैं वो बेरोजगारी के वो हो जाते हैं और डिग्रियां लेकर वो कभी इधर कभी उधर वो घूमते रहती हैं, तो बहुत सारे लोग डिप्रेस होकर वो पढ़ने छोड़ देती हैं और अपना वो दूसरे काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और वो स्ट्रगल आपकी जो वो होता है कि आपने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। एक बार हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप टीचिंग कर रहे हैं ना आपकी टेस्ट की प्रेपरेशन नहीं हो रही, क्योंकि टीचिंग करके आपको पैसे आ रहे हैं, वो आपके एक बिजनेस है, वो आपका एक कारोबार है, आपकी जॉब है, उससे आपको रिटर्न मिल रहा है, तो कतई तौर पर यह न समझिएगा कि जी मैं ऐसा एम टी कैट को पढ़ा रहा हूँ, सारा दिन पढ़ाता रहता हूँ, मैं कॉलेजेस पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल पढ़ाता हूँ, तो ये जो है ना मेरी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, मुझे वो सारे MCQs आते हैं। ये मेरी बात लिख लीजिएगा कि जब तक आप तकलीफ आपको नहीं ना होगी टेस्ट प्रेपरेशन के दौरान, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। कहो कि आपको सारा कुछ आता है लेकिन वो बात ये याद रखिए कि वहां पर आपको तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि वो सारा काम आप करते हैं आपकी खुशी से, क्योंकि वहां से आपको पैसे मिलते हैं। तो अब एक स्टूडेंट वो जो खुद पढ़ता है, आप ये आजमा भी लीजिएगा कि जब आप तैयारी करते हैं ना तो आप बमुश्किल ही कोई 10-15 मिनट निकाल पाते हैं, आप वो छोड़ देते हैं, आपसे नहीं हो जाता, वो ये असल तैयारी होती है, वो उसमें पेन होती है और कुदरत का असूल है कि जिसमें आपको पेन होती है, तकलीफ होती है, तो वही चीज आपको मिलती है। अगर आप बहुत बड़ी है आपको जॉब चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आप खुद सोचिए कि अगर पढ़ाने वाले ही उनकी तैयारी हो जाती है तो फिर जो जॉब मिलती है तो वो उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जानी चाहिए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जॉब नहीं मिलती, PhD बंदे भी फेल हो जाते हैं। तो
उसकी यही रीजन होती है कि उनकी जो एफर्ट होती है वो नहीं होती। बहुत सारी आपके एचओडीज हैं, मतलब आप या आपकी जो टीचर्स हैं आपको मास्टर पढ़ा रहे हैं, आपको बीएस पढ़ा रही हैं, तो वो उनकी जो है ना आपकी फील्ड में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब टेस्ट देने के लिए जाती हैं टेस्ट पास भी कर लेती हैं, इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई कर जाती हैं।